हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए देखिए मैंने इसमें पुराने स्वेटर की बूल ली हुई है और इसमें देखिए मैंने तीन कलर यूज किए हुए हैं। इसको मैंने जो स्वेटर था उसको उधेड़ के मैंने तीन धागों से ये बनाया है, तो काफी ये थिक बना हुआ है देखिए इस तरह से। और इसको आप साड़ी या चुन्नी से भी बना सकते हैं या फिर बूल से बना सकते हैं। और देखिए इसको मैंने फुल साइज का बनाया 40 फंदों में, ये 8 कली का बन के कम्प्लीट हुआ है। और देखिए ये राउंड में बना हुआ है, सिर्फ इतना ये यहाँ से लेके इतना सिला हुआ है सिर्फ, देखिए एक ही ज्वाइंट है इसमें। और तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 फंदे लिए हैं, जिस तरह से मैंने ये 40 का बनाया उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो 20 फंदे लेने के बाद हम पहला फंदा इसमें उतार लेंगे बिना बुने ऐसे, उसके बाद हम ऐसे बुनेंगे। लास्ट में एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। ये देखिए लास्ट में मैंने एक फंदा इधर बिना बुने छोड़ दिया, उल कपड़े की पट्टी को इधर किया, सिलाई को पलट लिया। अब यहां से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया, इसको ऐसे किया। अब देखिए यहां से हम इस फंदे को उतार लेंगे बिना बुने। तो दो फंदे इधर उतर गए, एक फंदा इधर छूटा है, इस रो में दूसरा छूट जाएगा। ऐसे ही इसको बनाते जाना है दोनों तरफ से, एक एक फंदा छोड़ते हुए। ये देखिए लास्ट में इधर भी एक फंदा फिर से छोड़ दिया, बुल को कपड़े की पट्टी को इधर कर लिया, यहां से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए यहां तक बना लिया, कपड़े की पट्टी उधर किया। अब देखिए एक फंदा हम इधर से उतार लेंगे और उसके बाद बुनेंगे ऐसे। आप देखिए इसी तरीके से बुनते हुए दोनों तरफ से इधर उतारते हुए इधर छोड़ते हुए लास्ट दो फंदे रह जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये वाली कली ऐसे कंप्लीट होगी, तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट में दो फंदे रह गए हमारे पास, तो हमने एक इधर कर लिया एक इधर कर लिया। अब देखिए 10 फंदे हमारे पास इधर आ गए, 10 इधर आ गए। इसी तरीके से आपके यहाँ पे 40 का अगर आप बनाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, 20-20 फंदे दोनों तरफ। आप देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे, इन 10 फंदों में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी, इस साइड के जो इधर के है यहाँ से अब मैं ये वाली डिजाइन डाल रही हूँ। तो यहाँ से मैं पलट ले रही हूँ और यहाँ से कलर एड कर रही हूँ। इसको क्रीम कलर वाले को यही छोड़ दिया मैंने। और देखिए यहाँ पे सिर्फ 10 फंदों में मैं ये वाला कलर लगाऊंगी ऐसे। इस तरह से लास्ट तक हो गया। अब देखिए यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे ऐसे, इधर से कपड़े की पट्टी को आगे किया, यहाँ से हम उल्टा बुनेंगे और यहाँ से इस साइड से एक एक फंदा अब मैं छोड़ते हुए इसको बुनूंगी। ये देखिए रेड का एक फंदा छोड़ दिया, सिलाई यहीं से पलट ली मैंने।
और यहाँ पे मैं चार चार रो बनाऊंगी दोनों कलर से। ये देखिए ऐसे। उसके बाद हमने इसको कर लिया, फिर से इधर किया और यहाँ से ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ दिया और ये दो रो आ गई मेरे पास। इसको हम इधर करेंगे, यहाँ से पलट लेंगे। आप देखिए हम यहाँ से ये वाला कलर ऐड करेंगे। इसको उतार लेंगे, कपड़े की पट्टी को इधर करेंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से बनाएंगे। अब फिर से इसका एक फंदा छोड़ देंगे, ये देखिए यहीं से पलट लिया। ये देखिए आप देखिए यहाँ से एक फंदा फिर से उतारा, कपड़े की पट्टी को इधर किया, यहाँ से उल्टा बुनेंगे पूरी रो। ये देखिए एक फंदा फिर छोड़ दिया। देखिए एक कलर में दो दो फंदे छूटते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये दो दो रो आ रही हैं। अब हम यहाँ से उल्टे तरफ से फिर से ये रेड कलर लगा लेंगे। आप देखिए इसी तरह से हम लास्ट के दो फंदे रह जाने तक इसको छोड़ेंगे और दो दो रो बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाई है मैंने, तो ये ज्यादा रो बनी है, ज्यादा फंदे में बना है। ये देखिए लास्ट दो फंदे तक मैंने छोड़ दिए हैं एक एक करके। अब देखिए ऊपर के साइड से मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो इसको मैंने उतार लिया, कपड़े की पट्टी को आगे किया। यहाँ से देखिए एक दो फंदे तक था, इसको आगे से बना लिया और यहीं से सलाई को पलट लिया। ऐसे आप देखिए यहां से फिर से एक फंदा उतारा, कपड़े की पट्टी को इधर किया और यहां से देखिए ऐसे। अब देखिए गैपिंग हो रही है, तो यहां से हम फंदे उठाएंगे ऐसे। ये देखिए एक इसमें से और एक इसमें से, अगले फंदे के साथ हम तीन का एक कर देंगे ऐसे और यहीं से देखिए पलट लेंगे। अब हम उल्टे तरफ से इसमें कलर ऐड करेंगे। ये देखिए ये वाला रेड। अब फिर से पलट लेंगे। अब हम यहां से एक फंदा उतारा, कपड़े की पट्टी इधर की और देखिए ऐसे। अब देखिए ये फंदा लेने से पहले हम यहाँ पे गैपिंग है तो उसे खत्म करेंगे। तो देखिए एक फंदा मैंने यहां से उठाया और एक इसको ले लिया। अब इन तीन का ऐसे एक कर देंगे। ये देखिए ऐसे पलट लेंगे। अब फिर से हम चार चार रो बना रहे हैं जैसे मैंने उधर से बनाया। ये देखिए एक फंदा उतार लिया, कपड़े की पट्टी को इधर किया। अब यहाँ पे ये गैपिंग आ रही है तो ऐसे उठाएंगे और एक इसको उठाएंगे, यहाँ पे तीन का एक कर देंगे। ये हो गया। और यहाँ से आप देखिए इस वाले कलर को लगाएंगे हम और इससे भी यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक इस फंदे तक मैंने इसको ऐसे बना लिया। यहाँ पे एक ही रो अभी बनी है। आप देखिए ये वाला फंदा हम ऐसे बुन लेंगे और इसको हम इधर करेंगे, इस वाले को क्रीम वाले को इधर लाएंगे। आप देखिए ये वाले फंदे अभी ऐसे हैं, अब हम इनको ऐसे बुन लेंगे। 10 फंदे जो मैंने छोड़ रखे थे ऐसे, ये देखिए लास्ट तक इसको बुनेंगे। ये देखिए इनको मैंने यहाँ तक बना लिया, पलट लेंगे। अब देखिए इस वाले कपड़े की पट्टी को हम यहाँ पे लाएंगे ऐसे। ये देखिए
यहां से पूरी रो उल्टा बनाएंगे। ये आपको उल्टे तरफ से ही बनाना है क्योंकि यहाँ पे कलर ऐड करेंगे। और देखिए इस वाली पट्टी को ऐसे करके देखिए यहाँ से बनाएंगे इसको और यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे ताकि ये उलझे नहीं। आप चाहें तो कट करके भी लगा सकते हैं लेकिन ऐसे ज्यादा सही है, कट छोटे छोटे टुकड़े नहीं होंगे। ये देखिए तो इसमें ये देखिए पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए आप देखिए यहाँ पे एक रो थी हमारे पास, अब हम इधर से बुन जाएंगे तो ये यहाँ पे भी दो रो आ जाएंगे जिस तरह से ये वाली आई हुई है। देखिए ये वाली रो गई हुई है तो हम यहाँ से पूरी रो उल्टा बुनेंगे ऐसे लास्ट तक। ये देखिए कपड़े की पट्टी कम पड़ रही तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, नॉट नहीं लगाई मैंने ऐसे ही कर दिया। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया। आप देखिए एक कली पूरी हो गई है, देखिए इस तरह से ये वाली जैसे कली यहाँ से ये वाली पूरी है। आप देखिए सेकंड कली उल्टे तरफ से हम बनाएंगे तो यहाँ से हम पलट लेते हैं और ये वाला देखिए कपड़े की पट्टी जो छोड़ी थी मैंने यहीं से मैं इसी में ऐसे ऐड कर लूंगी और यहाँ से देखिए पूरी रो उल्टा बुन के जाऊंगी लास्ट तक। अब यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है इसमें। ये देखिए बना लिया। आप देखिए यहाँ से इस तरह से जिस तरह से मैंने फर्स्ट रो को रिपीट किया है उसी तरीके से एक फंदा इधर से उतारते हुए इधर से एक फंदा छोड़ते हुए लास्ट दो फंदों तक बुनूंगी, उसके बाद फिर ये वाली डिजाइन डालेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है पूरा बनाते हुए और देखिए लास्ट में सिर्फ यहाँ से लेके इसको कली को हमने सिलाए तो ये पता नहीं चल रहा है कहाँ से सिलाए। देखिए पूरा एकदम से क्लियर बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।